वेलकम टू एंड गाइस। सो वाले वीडियो का टाइटल और थंबनेल देखकर आप लोग बेखबरी से समझ चुके कि आज के टाइटल कौन सी कंटेंट लोड होने वाले। जी हाँ दोस्तों, आज मैं आप लोगों को स्मार्टफोन के लिए एप्लीकेशन बनाना सिखाऊंगा बिना कोडिंग के, बिना कोई मेहनत के, जस्ट कुछ ही सेकंड्स के अंदर कुछ ही क्लिक के जरिए आप अपने हिसाब से स्मार्टफोन यानी एंड्रॉइड एप्लीकेशन बना सकते हो और ये बिल्कुल फ्री से ए टू जेड फुल कोर्स सिखाऊंगा। जैसा बताऊंगा वैसा देखना गाइस। एप्लीकेशन बनाने में गाइस आप लोगों का बहुत सारा फायदा हो सकता है। जैसे मान के चलो कोई भी ब्लॉगिंग साइट में हम लोग जब एंटर करते हैं, मान के चलो वो गूगल में सबसे ट्रेंड पे है, तो उसके वेबसाइट में एंटर करते हैं, जैसे मूवी का वेबसाइट हो जाए या कोई भी सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने के लिए जाते हैं उसका वेबसाइट हो जाए या आर्टिकल पढ़ने के लिए जाते हैं, तो वहाँ पर वेबसाइट डेवलपर ने हम लोग को यह कहता है आप लोग प्लीज इस लिंक को क्लिक कीजिए और मेरे एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए। क्योंकि एक तो वेबसाइट से फायदा है और एक डबल फायदा है एप्लीकेशन से, क्योंकि वेबसाइट खोलने के बाद आपको जो दिखना पड़ेगा एप्लीकेशन में आप शॉर्टकट में देख सकते हो, लेकिन आप लोगों का क्या पता है वेबसाइट में जो अर्निंग होता है एप्लीकेशन में उससे ज्यादा अर्निंग होता है। तो आपका अगर एक वेबसाइट है तो आप अपने हिसाब से एप्लीकेशन क्रिएट करना चाहते हो तो कैसा करना पड़ेगा, चलिए ए टू जेड प्रोसेस सीख लेते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जीत, आप सभी का दोस्त, और उसके फिर से और बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका हमारा अपना चैनल जीत भाई ऑफिशियल पर। साइड में मोबाइल का स्क्रीन रिकॉर्ड आ चुका है, लेट्स गेट स्टार्टेड। मेरे भाई सबसे पहले आप अपने प्ले स्टोर में चले जाओ और यहाँ पर लिख के सर्च कर दो नेटिव अल्फा। नेटिव अल्फा सर्च करते ही नेटिव अल्फा ये वाला एप्लीकेशन आ जाएगा जिसका रेटिंग बहुत ही खास है और सबसे बढ़िया बात इसका जो है रिस्पॉन्स बहुत ही अच्छा है, यानी पॉजिटिव फीडबैक भर के। इसको सिंपली से इंस्टॉल कर लीजिए, इंस्टॉल होने तक हम लोग को वेट करना पड़ेगा और मैं थोड़ा सा वीडियो को जो है स्किप कर देता हूँ। तो मेरे भाई लोग ये जो है इंस्टॉलिंग हो रहा है, इंस्टॉल होने के बाद सिंपली से इसको ओपन कर लीजिए। इंटरफेस कुछ ऐसा आएगा, न्यूज वर्जन क्या क्या है, टर्म्स ऑफ यूसेज, नॉन लियबिलिटी, ये सब कुछ जो है पढ़ लीजिएगा। दिस एप इज पब्लिश्ड अंडर जीएनयू जनरल पब्लिक लाइसेंस B3 ऐसा कुछ है, ओके कर दीजिए। ओके करने के बाद गाइस आप लोगों के सामने ये इंटरफेस खुल के आ जाएगा। तो सबसे पहले गाइस आप मान के चलो आपका कोई ब्लॉगिंग नहीं है तो आप कोई भी वेबसाइट का एप्लीकेशन यहाँ से बना सकते हो, लेकिन वो गाइस ठीक नहीं होगा। आपका अगर वेबसाइट है तो आप बनाओ, या अगर चाहते हो कि आप इंस्टाग्राम से या फेसबुक से भी एप्लीकेशन बनाना चाहते हो तो पहले इंस्टाग्राम और फेसबुक का परमिशन ले लो कि आप उन लोगों से एफिलिएट मार्केटिंग या ऐसा कुछ करके प्रोडक्ट सेल करना चाहते हो, ऐसा कुछ यानी कुछ भी हो पैसा कमाना चाहते हो, वो लोग अगर परमिशन देते हैं तो इंस्टाग्राम का लिंक फेसबुक का लिंक कॉपी करके पेस्ट करके एप्लीकेशन तैयार कर सकते हो। फिलहाल मैं जो मेरा वेबसाइट में चला जाता हूँ, ठीक है, और मेरा जो ये वेबसाइट आ गया और मैं मेरा वेबसाइट का जो है लिंक कॉपी कर लिया। कॉपी करके गाइस मैं इसका URL यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। ये मेरा http://jeetthekingdom.com ये मेरा पर्सनल वेबसाइट है, ठीक है। आप लोग चाहो तो मेरे वेबसाइट में जा सकते हो, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है। तो उसके बाद क्रिएट शॉर्टकट ऑन होम स्क्रीन, ओके ओके में जैसे ही क्रिएट करते हो ना तो यहाँ पर देखो जीत द किंगडम आ चुका है, ठीक है। उसके बाद शॉर्टकट टाइटल क्या देना चाहते हो, तो मैं यहाँ पर दे देता हूँ मेरे भाई जीत भाई ऑफिशियल, जस्ट ये लिख दिया। उसके बाद आप चाहो तो इसमें कस्टम भी कर सकते हो, जैसे सिलेक्ट ए कस्टम आइकॉन, जैसे ही यहाँ पर क्लिक करते हो तो मैं एग्जाम्पल के हिसाब से दिखा रहा हूँ, मेरा ये फोटो दे दिया, ठीक है, ये फोटो दे दिया। उसके बाद ओके बटन में क्लिक कर देता हूँ, तो ये देख लो टच एंड होल्ड द विजेट टू मूव इट अराउंड टू द होम स्क्रीन, तो ये होम स्क्रीन में ले सकते हो, ठीक है। तो आपका जो एप्लीकेशन तैयार होकर आ चुका है, जैसे जीत भाई ऑफिशियल ये मेरा एप्लीकेशन है, जैसे एप्लीकेशन को ओपन कर रहा हूँ तो भाई लोग देखो बूम मेरा वेबसाइट खुल गया भाई, ठीक है। तो आप यहाँ पर कुछ भी चाहो वो सर्च कर सकते हो, ठीक है। तो फिर से हम लोग वो वाले एप्लीकेशन में आ जाते हैं कस्टमाइज करने के लिए, क्योंकि एप्लीकेशन तैयार कर दोगे ऐसे नहीं होगा, पब्लिक ऐसे व्यूज नहीं करेगा। तो मान के चलो ये जीत द किंगडम ये है, ठीक है, इसको आप कस्टमाइज करना पड़ेगा। कस्टमाइज करने के लिए सेटिंग वाले ऑप्शन में चले जाओ, यहाँ पर देखो रिक्रिएट शॉर्टकट, यानी शॉर्टकट आप अगर किस दिन चाहो तो आप दूसरे लिंक यहाँ पर देना चाहते हो वो भी यहाँ पर दे सकते हो। ये है मेरा वेबसाइट का नाम और यहाँ पर देखो ओवरराइड ग्लोबल सेटिंग, ये है हेडर सेटिंग, इसको ऑन करते आपका सारा जो है ऑन हो जाएगा। यहाँ पर देखो सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी, आप यहाँ से अगर चाहो तो एड आए, अगर आपके साइड में एक्सेस अप्रूवल मिल चुका है या कुछ भी हो तो आपके एड आएगा, आप चाहो तो एड आएगा, आप चाहो तो नहीं, मैं सिर्फ मेरा वेबसाइट में एड चाहता हूँ लेकिन एप्लीकेशन में नहीं, तो आप एड को डिसेबल भी कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पर देखो ब्लॉक ऑल थर्ड पार्टी रिक्वेस्ट, ठीक है, तो इसको ये डिफॉल्ट सेटिंग जैसा है वैसा ही रहने दीजिए। तो आप लोग चाहो तो ये कर सकते हो, रिफ्रेश प्रेस रेगुलरली इसको ऑन कर देना, ये सबसे बड़ा काम है इसका। अनेबल पिन टच एंड जूम, ठीक है, इसको भी ऑन कर दीजिए, ठीक है, बस ऐसे ही कस्टमाइज करना पड़ेगा। उसके बाद सेव कर दीजिए, तो उसके बाद बैक आ जाइए। तो ऐसे ही गाइस अपने हिसाब से आप अपने वेबसाइट का या कुछ भी हो कोई भी वेबसाइट का एप्लीकेशन जो है तैयार कर सकते हो बिना कोई झंझट से, और आप अपने हिसाब से कस्टमाइज भी कर सकते हो। तो कैसा लगा ट्यूटोरियल, आई होप कि इस ट्यूटोरियल से आप लोगों को काफी ज्यादा मदद मिला होगा। अगर थोड़ा सा ही पसंद है जीत भाई का इस ट्यूटोरियल को देखकर मुझे थोड़ा सा भी हेल्प मिले, थोड़ा सा भी मेरा काम है, तो प्लीज मेरे भाई लोग एक वीडियो बनाने में बहुत ज्यादा एफर्ट लगता है, इस वीडियो को फटाक से एक लाइक कर दीजिए, वीडियो के नीचे कमेंट्स कीजिए, कोई भी इशू है मैं आपके इशू को हरदम रिजॉल्व करने के लिए तैयार रहता हूँ। आप लोग अगर चाहते हो कि कोई भी टेक्निकल रिलेटेड इशू के ऊपर आप ट्यूटोरियल देखना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में मेरा इंस्टा और फेसबुक का लिंक है, जाकर मुझको मैसेंजर में मैसेज कर दीजिए पर्सनली, मैं आपके उस टेक्निकल इशू के ऊपर भी ट्यूटोरियल ला दूंगा। तो इस वीडियो को झाड़ के बैठ के शेयर कर दीजिए, अगर आप इस समय नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, पास में जो बेल वाले घंटे उसको भी क्लिक कर लीजिए ताकि इससे जुड़ी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप सबको एडवांस मिलते रहे। तो फिर मिलते कल और एक बहुत अच्छा कंटेंट लेकर के, तो अच्छे से रहेगा। जय हिंद जय भारत, बंदे मातरम, बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून।